वेलकम टू बैंकिंग इन्फो। तो भाई कैसे हो सब लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का इस पे कमेंट था कि भाई इसमें अकाउंट हम क्लोज कैसे करें, अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, चाहे कुछ भी अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट क्यों ना हो, तो क्लोजिंग कैसे करें। तो मैं ये सारी चीजें देख रहा था और बाकी मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, 11-12 दिन में एक बार, महीने में 2-3 वीडियो आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसका कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ और घर बैठे बैठे आप कैसे क्लोज करोगे, आपको बैंक कहीं ब्रांच वगैरह जहां पे भी आपने ओपन किया है वहां पे जाना नहीं पड़ेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे चल के जो भी अपडेट है आप लोगों को पहले मिलता जाए। तो चलिए सीधा स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एक एक करके मैं सारी चीजें नहीं दिखा पाऊंगा, मैं लिंक्स डाल दूंगा, मैं कुछ चीजें बता दूंगा। अगर आपका इतना मिनिमम है तो ठीक है, अगर इतना मिनिमम नहीं है तो आप कितना पैसा देके क्लोज कर सकते हो अकाउंट। देखो कोई ज्यादा पैसा नहीं है, सिंपल सी बात है, 250 से 1000 रुपए, 250 बस सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन लोगों का जिसपे की 0 चार्जेस, मतलब आप कुछ भी बिना फीस के आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा, अगर सेविंग अकाउंट पे देखा जाता है तो यहाँ पे एवरेज कितना चाहिए होता है, एवरेज मेट्रो में अगर रहते हो या फिर अरबान में तो 1000 रुपये, या फिर अरबान या फिर रूरल में रहते हो तो 500 रुपये, ठीक है। तो चार्जेस देख सकते हो मेट्रो में अरबान में, जैसे ही मैंने बताया कि 200 रुपये लगता है क्वार्टर में, और यहाँ पे सेमी अरबान और रूरल में बस 100 रुपये ही लगता है। अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हो तो आप क्लोजिंग इसी तरीके से कर सकते हो इजीली। और बहुत सारे इनका प्रोडक्ट्स है जो कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गए सुपर सेविंग अकाउंट, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपये यहाँ पे इसका मतलब क्वार्टरली आप चार्जेस पे करोगे अगर आप मिनिमम उतना नहीं रखते हो। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 साल 3 साल तक अकाउंट मतलब ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। हाँ, वैसे कि 3 साल के ऊपर हो गया तो RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से क्लोज हो जाएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोज में बताकर रखा है सेविंग अकाउंट्स के लिए। तो सिंपल सा वैसे क्लोज आप कर सकते हो। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो कि भाई 1000 रुपये मतलब 1 साल के अंदर कितना हो गया, 12000 हो गया, तो 2 साल में 24000 आपके माइनस में चला जाता है। तो ये चीज मत किया करो कि भाई अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी सपोज मान के चलो आपने यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे अकाउंट ओपन कर लिया है, तो 14 डेज के अंदर अंदर अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लोज कर सकते हो। अगर आप चाहिए, आप यूज कर रहे हो, 1 साल तक आपने कंप्लीटली यूज किया, फिर जॉब वगैरह आपने मतलब एक जगह पे छोड़ दिया, तो वहां पे आके सडनली क्लोज ही कर दो, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, जिसमें कि भाई 200 रुपये, 100 रुपये या फिर 250 रुपये। यहाँ पे देख सकते हो सैलरी का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सैलरी पे देख सकते हो नो एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ौदा का सैलरी क्लासिक जो है प्रोडक्ट उन लोगों का एक है, तो इस पे बस 0 बैलेंस अकाउंट है जो कि सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो इसी तरीके से अगर आप मतलब बिना चार्जेस भी, बहुत सारे लोगों का ऐसे भी दिक्कत होगा कि भाई कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस अकाउंट ऐसे ही पड़ा है, तो ऐसे ही क्यों पड़ेगा, तो अकाउंट क्लोज ही कर दो। तो सिंपल सा उनके लिए मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे क्लोज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये रहा अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने अपने लोकेशन पे अभी नहीं हो, तो आपको तो ये भेजना पड़ेगा, अपने होम ब्रांच को ही भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ब्रांच को भेज के आप क्लोज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सिंपल सा भेजना पड़ेगा। तो क्या क्या भेजोगे, आपके पास जो भी ब्रांच के हो गए, चेकबुक हो गया, ATM कार्ड हो गया, या फिर पासबुक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें अटैच करनी है। और साथ ही साथ ये जो फॉर्म है आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट इसका निकाल देना है और सारी चीज़ें सही सही से फिलअप कर देना है। तो फिलअप करने के बाद सिंपल सा कोरियर कर देना है। तो ये बस 8 से 15 दिन का प्रोसेस लगता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा कि भाई क्लोज हो गया है। तो अगर आप जाके करते हो ब्रांच वगैरह, तो सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह टाइप करना है, नंबर वगैरह आपको ब्रांच की तरफ से मिल जाएगा, तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे DP ID ऐसे ही रहने थे, क्लाइंट ID आपको डालना है, या फिर आपका यहाँ पे जो भी होल्डर वगैरह हो गए तो यहाँ पे डालना है। और मेनली याद रखना, अगर आपके यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में बैलेंस है कि भाई कुछ भी बैलेंस है यहाँ पे 10000 15000 कुछ भी है, तो आप ये जो अमाउंट है किस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसको भी फिलअप करना है, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है उनके हिसाब से, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो ये सारी चीज़ें, मैं ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी बैंक में जाके ओपन करते हो तो पहले ना पढ़ लिया करो कि भाई ऐसे ऐसे चार्जेस है, ऐसे चार्जेस है, नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप लोग मतलब 2-3 साल ऐसे ही रखने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो फिर ढूंढने लग जाते हो कैसे क्लोज करना है, ठीक है।
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच अपने चैनल पे इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए।